अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपवर्क पे अपने ओल्ड क्लाइंट की जॉब देख सकते हैं या उन पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ओल्ड क्लाइंट जो आपके होते हैं ना, तो उन्होंने जॉब पोस्ट की होती है और आप अगर आप वो जॉब पे अप्लाई करें तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो आपको ही दोबारा हायर कर लें, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट भूल जाते हैं कि हमने इस सर्विस के लिए किसी को पहले भी हायर किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने ओल्ड क्लाइंट की जॉब फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखें आप सर्च का ऑप्शन है, यहाँ आपने जॉब्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ सर्च कर देना है। अब देखें यहाँ तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जॉब शो हो रही हैं, तो ये सारे फिल्टर हैं अपवर्क के। तो इसमें कुछ और फिल्टर भी हैं तो मैं आपको सिर्फ वो वाला दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ एक फ़िल्टर है माई प्रीवियस क्लाइंट्स, आपने ये वाला सिलेक्ट करना है। अब जैसे ये वाला सिलेक्ट करेंगे आपके प्रीवियस क्लाइंट्स की जॉब शो हो जाएंगी। तो ये देखें मेरे पास 72 जॉब शो हो रही हैं और ये सारी मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स की हैं। इन पर उन्होंने ऑलरेडी हायर कर लिया है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये हैं प्रीवियस क्लाइंट की जॉब। अब मैं अपनी कैटेगरी में अगर देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं वो कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा। लीड जनरेशन, तो अब देखें 11 जॉब शो हो रही हैं। तो अभी मैं चेक करता हूँ और यहाँ से मैं अपने प्रीवियस क्लाइंट से कांटेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ मुझे अपने प्रीवियस क्लाइंट का नाम भी शो हो रहा होगा, ये देखें। तो आप जाके ये नाम अपने मैसेज में सर्च करके उसको डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं कि आपकी ये जॉब पोस्टेड है, एक्टिव है और मैं ये जॉब कर सकता हूँ, तो शायद वो आपको हायर कर ले। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।